वेलकम टू योर एकेडमी मुनिलाल सर, माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश ऑफ क्लास 10 बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 3। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेक अप द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट। एंड दिस topic, this story, his first flight, is written by Liam O'Flaherty. Dear students, I am going to explain the text in Hindi line wise. तो dear students, मैं आपको बता दूं कि इस topic पर एक video already uploaded है, आप उसे देख लें, उसके बाद आज का जो यह दूसरा वीडियो है उसे देखें तो आपको स्टोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आज जो हम लोग पैराग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं वह देखिए कहाँ से होगा, यह देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा है द से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, देखो अब कह रहा है कि सूरज जो है अब असेंड मतलब चढ़ना, ठीक है, सूरज ऊपर चढ़ता जा रहा था आसमान में, और ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और उस सूरज जो है वह सूरज यानी धूप जो है वह चमक पैदा कर रहा था। ब्लेज मतलब ऐसे चमकना होता है, यानी धूप पड़ रही थी उसके लेज पर भी, लिटिल सीगल के लेज के अंदर भी धूप जा रही थी, क्योंकि उसका जो फेस था ना लेज का हुआ दक्षिण की तरफ था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। राइटर बताते हैं कि उसने विगत रात्रि से कुछ खाया ही नहीं था, तो उसको गर्मी महसूस हो रही थी, धूप से जो गर्मी मिल रही थी ना उसको गर्मी लग रही थी। कहता है पिछले रात से वह भूखा था, खाया नहीं था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब उसने क्या किया लिटिल सीगल ने, वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहाँ आ गया, ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के बिल्कुल अंतिम छोर पर, कगार पर, ठीक है, ब्रिंक यानी किनारा, बिल्कुल किनारे आ गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और क्या आकर के एक पैर पे खड़ा हो गया और दूसरे पैर को उसने अपने विंग के अंदर अपने पंख के नीचे छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, और फिर कहता है उसने पहले तो एक आँख बंद की, फिर दूसरी आँख भी बंद कर ली, और उसके बाद फिर क्या किया, एंड प्रीटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और दिखावे के लिए, केवल प्रीटेंड मतलब दिखावा करना, दिखावा किया उसने टू बी फॉलिंग एस्लीप सोने का, ठीक है, मानो वह सो रहा है। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, देखो फिर भी कहता है उनके जो पेरेंट्स थे ना, दे मीन्स उनके मम्मी पापा, तो उनके मम्मी पापा ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। टेक नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, यानी वह जो सो रहा है ये एक पैर पर इसीलिए सो रहा था ना कि मम्मी पापा देखेंगे तो दया आ जाएगी कि बेचारा एक पैर पे सो रहा है कहीं गिर ना जाए, लेकिन कहता है उनके मम्मी पापा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब देखो, ही saw हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विथ देयर हेड्स sunk into their necks। देखिए अब सोना तो उसका बेकार हो गया, तो अब उसने देखिए साव आ गया, देखा उसने, तो कैसे देखा, इसका मतलब सोने वाला नाटक छोड़ दिया, अब उसने आंखें खोल ली और क्या देखा कि उनके दो भाई और एक बहन कहाँ है, लाइंग पड़े हुए हैं ऑन द प्लेट्यू, प्लेट्यू के ऊपर, डोजिंग विथ देयर हेड्स,
और डॉजिंग विथ देयर हेड्स सैंक इन टू देयर नेक्स। कैसे वे लोग नींद ले रहे हैं, डॉजिंग, सो रहे हैं, कैसे अपने हेड्स को, अपने माथे को, अपने सर को अपने अपने गर्दन के नीचे छिपा करके या रख करके, जैसे भी कहिए आप। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, प्रीनिंग मतलब संवारना, मेंटेन करना, ठीक है। तो उनके पापा, उनके फादर फीदर्स को, जो उनकी सफ़ेद पीठ पर, वाइट बैक, बैक पीठ को कहते हैं, पापा अपने पीठ, सफ़ेद पीठ के ऊपर जो पंख थे ना, उनको वे संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटियो, माँ कहाँ खड़ी थी, प्लेटियो पर ही, कुछ ऊंचे से, थोड़ा सा ऊंचा एक हम्प था, टीला था, उसी टीले पर, ठीक है, एक टीले पर उसकी माँ खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उनकी सफ़ेद छाती सामने की तरफ, आगे की तरफ झुकी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वह उड़ने ही वाली है। नाउ एंड अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और कहता है यदा कदा, ठीक है, वह क्या करती थी, टोर, फाड़ती थी ए पीस ऑफ फिश, मछली के टुकड़े को, दैट ले एट हर फीट, जो मछली का टुकड़ा कहाँ था, पैर के, उसके पैर के नीचे पड़ा हुआ था, ले पड़ा हुआ, ठीक है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड, और फिर क्या करती थी उसकी माँ, स्क्रैप करती थी, खरोंचती थी अपने चोंच के दोनों किनारों को, ऑन द रॉक, चट्टान पर, चट्टान पे रगड़ती थी अपनी चोंच को, यानी उनको शार्प बनाने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब कहता है भोजन नजर आते ही वह पागल सा हो गया, कौन, लिटिल सीगल, क्योंकि भाई खाया नहीं है दो दिन से। द साइट ऑफ द हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उस सीगल को मन में आ रहा था कि ही हाउ ही लव्ड टू टीयर, यानी उसे बेहद पसंद था क्या अपने भोजन को फाड़ना, दैट वे, उसी तरह से जिस तरह उसकी मम्मी फाड़ रही थी, चीर रही थी, और उसको क्या पसंद था, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, कि अपनी चोंच को बार बार क्या करना, खुरचना, टू हेट इट, इसको शार्प बनाने के लिए, ये सब चीज़ उनको बहुत पसंद थे, अच्छी लगती थी, कि वह भी काश इस तरह कर सकता, ठीक है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यानी माँ को पुकार लगाई उसने कि माँ मेरे लिए कुछ भोजन ला करके दो। तो गाओ कोल अह शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, तो माँ ने उसका उपहास उड़ाया, उसी की नकल करते हुए कहा गा कोल आ, यानी कहता है गा 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 करके दिखाता है, उड़ नहीं सकता है, आ नहीं सकता है, ये कहने का मतलब, ठीक है, उनको एक तरह से उनके ऊपर व्यंग करता हुआ उसकी माँ ने वापस आवाज लगाई। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह बार बार चिल्लाता रहा, पुकारता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ ही देर के बाद वह खुशी से चिल्ला उठा, क्यों, हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। कारण क्या था कि माँ जो थी उसकी, उसने क्या किया, मछली का एक टुकड़ा फाड़ लिया और अपनी चोंच में लेकर के वह जो है उसी की तरफ उड़कर आ रही थी, ठीक है। ही लीन्ड आउट
ईगरली। अब कहता है वह बाहर की तरफ झुक गया, ईगरली मतलब बड़ी व्याकुलता से, उत्सुकता से, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपनी अब जो वह जिस चट्टान पे खड़ा है लिटिल सीगल उसको टैप करने लगा, अपने पैरों से ठक 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 कर रहा था, यानी दिखा रहा है कि कितना व्याकुल है वह भोजन के लिए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्ली अक्रॉस, और वह मानो कोशिश कर रहा था कि जैसे ही माँ मेरी 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 जो है आ जाएगी मेरे निकट, तो वह क्या करेगी, वह क्या करेगा, वह भी उड़ करके यानी अपनी माँ के नियरर और नज़दीक वह आ जाएगा, माँ के पास चला जाएगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, टू हर, हर कौन है, मदर, यानी वह कोशिश कर रहा था कि मैं माँ के और नज़दीक चला जाऊँ जैसे ही माँ उड़कर उसके सामने आए। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब कहता है कि माँ जब उसके बिल्कुल सम्मुख थी, बिल्कुल सामने थी, सी हॉल्टेड, वह ठहर गई यानी रुक गई माँ, हर विंग्स मोशनलेस, पंख स्थिर हो गए, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और कहता है जो मछली का टुकड़ा है ना माँ की चोंच में, वह लगभग उस सीगल की चोंच के पहुँच के अंदर था, यानी थोड़ा सा का गैप, थोड़ा सा मतलब कहिए डिस्टेंस था दोनों की चोंच के बीच में। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। अब वह थोड़ी देर सोच रहा है कि मेरी माँ जो है और नज़दीक क्यों नहीं आ रही, ठीक है, और फिर कहता है भूख से पागल होकर वह झपट पड़ा उस मछली पर, और झपट पड़ा तो फिर क्या हुआ, विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब अंतरिक्ष में शून्य में वह जो है महसूस करने लगा, झटके खाने लगा, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब वह क्या हुआ, बहुत अधिक मॉन्स्ट्रस टेरस, मॉन्स्टर कहते हैं राक्षस को, यानी दैत्य के आकार का, यानी बहुत अधिक टेरर, भय, आतंक जो है उसके अंदर समा गया, डर समा गया। एंड हिज हर्ट स्टूड स्टील, और उसका जो दिल है ना वह स्थिर हो गया, मतलब ऐसा लगा कि दिल की धड़कन बंद हो गई, यानी काफ़ी घबरा गया हुआ। ही कुड हेयर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा कुछ ही मिनट तक चला रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल उसको महसूस हुआ कि उनके जो विंग्स हैं, पंख हैं ना, वह बाहर की तरफ फैले हुए हैं, स्प्रेड, फैला हुआ। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और क्या महसूस कर रहा है कि हवा गुजर रही है उनके ब्रेस्ट के पंखों से होकर, उनके पेट के नीचे से होकर, और फिर उनके पंखों से होकर, ठीक है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उनको लग रहा था कि उनके जो डैने हैं, विंग्स हैं, उनसे हवा कट रही है। He was not falling headlong now. अब वह सर के बल नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and up outwards. अब कहता है धीरे धीरे वह ऊपर और नीचे हो रहा था। He was no longer afraid. अब उसको डर भी नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy. एक तो परेशानी थोड़ी सी थी उसके साथ, क्या कि वह थोड़ा सा चक्कर सा महसूस कर रहा था, ठीक है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, देखो यहाँ डिजी मीन्स होता है चक्कर, सर चकराना, उसको डिजी कहते हैं। फिर उसने कहता है क्या किया, फ्लैप्ड हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस, एक बार, एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और फिर वह उठ गया ऊपर की तरफ।
गा 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 करते हुए उसकी माँ जो है उड़ते हुए बहुत तेजी से आगे निकल गई, सुप्ड पास्ट हिम, यानी झपटते हुए उसकी माँ उसे पीछे छोड़ चली गई, यानी माँ आगे निकल गई, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और उसके माँ के जो विंग्स थे उनसे तेज शोर हो रहा था, शोर मचाते हुए जो है उनकी माँ आगे बढ़ गई। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और फिर वह भी चीख करके चिल्ला करके माँ को जवाब दे रहा था। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब माँ के बाद उनके पापा उसके ऊपर से उड़ गए चिल्लाते हुए। ही saw हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, अब उसने क्या देखा, अपने दोनों भाई और बहन को भी उड़ता हुआ अपने आसपास, और कैसे उड़ रहे थे, करबेटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग, ठीक है, उनके भाई सब तरह तरह के स्टाइल में उड़ान मार रहे थे, करबेटिंग भी उड़ने का स्टाइल है, लिपिंग लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह उछलना है वाला स्टाइल में, और बैंकिंग एंड शोरिंग, बैंकिंग का मतलब फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, पंख को ऊपर एक नीचे रख के उड़ना, ठीक है, शोर मतलब ऊपर उठना, डाइव मतलब गोता मारना नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ गोता लगाना, उसको डाइविंग कहते हैं। तो इस तरह से वह देख रहा है अपनी बहन को और अपने दोनों भाई को कि भाई इसी तरह से तरह तरह के स्टाइल में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मुझे यहीं रोकना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन जारी रहेगा अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें योर अकेडमी, मुनिलाल सर, जय हिंद, जय भारत।